हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर बात करने वाले हैं आकांक्षा मर्डर केस के बारे में। सॉरी, मर्डर तो अभी साबित हुआ नहीं है, सुसाइड मामले में। तो अभी तक जो है ना, आज 26 मार्च को उन्होंने सुसाइड किया, ऐसा अभी तक जो बोला जा रहा है। तो आज 9 दिन 10 दिन हो गए, लेकिन अभी कोई भी ऐसी सबूत पुलिस को हाथ नहीं लगी है जिससे कि साबित हो सके कि हाँ ये हत्या है, और ये हत्या समर सिंह ने किया है या करवाया है। लेकिन बहुत कुछ फिर भी प्रूव मिल रहे हैं कि हाँ ये हत्या भी हो सकती है, क्योंकि समर सिंह के पहले जो है कमरे में पता चला कि कोई आया था और वो 10 मिनट रुका था, और वो और कोई नहीं समर सिंह का ही आदमी संदीप सिंह है। और वो सुसाइड करने के 10 मिनट पहले ही वो रूम से बाहर गया। तो इसीलिए पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए इसमें आरोपी संदीप सिंह को भी माना गया है कि आखिर वे मौत से 10 मिनट पहले कमरे में क्या करने आया था और क्या करके गया, कहीं हत्या उसने तो नहीं की। तो संदीप सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई है, और जल्द ही संजय सिंह की भी गिरफ्तारी होगी, और वो भी फरार चल रहे हैं। समर सिंह ही बड़ी मुश्किल से पकड़ाए हैं और संजय सिंह फरार ही कर चल रहे हैं, लेकिन आरोपी तो संजय सिंह भी है, तो इसलिए वो भी बचेगा नहीं। तो फिलहाल समर सिंह जो है बहुत परेशान है, बहुत डरे हुए हैं, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है और ख़ुद को निर्दोषी बता रहे हैं। और वो आकांक्षा जी को अपना दोस्त बताएं कि वो मेरी दोस्त थी, उनको मैंने घर खरीद के दिया, उनके लिए मैंने कार खरीदी, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो अब ये तो अभी पता नहीं चली है कि वो अपना कबूलनामा करेंगे कि नहीं करेंगे, वो खुद को निर्दोषी बता रहे हैं। और जहाँ तक अभी तक आकांक्षा जी की केस की गुत्थी सुलझनी चाहिए और ही उलझती नज़र आ रही है, और अभी भी पुलिस कोई नतीजे पर पहुँची नहीं है। फिलहाल समर सिंह की बेल के भी उनके वकील प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी उनकी बेल नहीं होने वाली है फिलहाल 14 दिनों के लिए। और संजय सिंह को भी बहुत ही तेज़ से यूपी पुलिस वो जो फरार चल रहे हैं उनको खोजने की तैयारी, उनको पकड़ने की तैयारी यूपी पुलिस बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और समर सिंह जो है वो खुद को निर्दोष ही बता रहे हैं। तो देखना अब ये है कि अभी तक तो कोई ऐसा प्रूफ मिला नहीं है, फिर भी पुलिस को बहुत कुछ प्रूफ ऐसे मिले हैं जिससे इशारा करता है कि समर सिंह भी बहुत दोषी है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में लाती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।